हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपका स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में। और हम पहली बार एक लाइफ का एक्सपीरियंस करने आए हैं पावो बाजार, जो कि मेरे को लेके आए हैं मेरे पार्टनर तेजू भाई। और तेजू भाई कैमरे के पीछे खड़े होकर मुझे कवर कर रहे हैं, तो सो आगे वो बताएंगे। तो मैं लेके आया हूँ अर्जुन को अपने साथ अपने यहाँ पे, क्योंकि मेरे मामा की शादी है और वहीं पे मैं अर्जुन को घुमाऊंगा फिराऊंगा। साथ के साथ गढ़वाली शादी कैसे होती है वो आप सबको दिखाएंगे। तो वीडियो के एंड तक देखो और एंजॉय करो। तो अभी हम घूम रहे हैं पावो के मार्केट में और ये हमारा पावो मार्केट है। और अभी दिखाते हैं आपको, फिलहाल तो हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। और यहाँ से हम जगह गाड़ी पकड़ के जा रहे हैं मामा के यहाँ पे। गाड़ी चली गई क्या है? गाड़ी वाले भैया चले गए हमें छोड़ के, और हमारा सामान यही छोड़ के चले गए, धोखा कर गए। यहीं गावे बजा रहे सामान रख के और गाड़ी लेके भाग गए। सीट और घेर ली किसी और ने, अब पीछे बैठना पड़ेगा। कोई नहीं तेजू भाई, करते हैं। भाई मैंने फोन मंगवाया नया अपना, उत्तराखंड में फोन बनवाया भाई ने, फोन तोड़ दिया था, हार्ट अटैक आ गया वो। मैंने हार्ट अटैक, मैंने कहा आज फोन में तो बूंद लगवाने गया था, मैंने बोला फोन ही बंद कर दिया भाई, बस हो गया चालू। अच्छा बट भी गाड़ी की सवारी हो चुकी है फुल और जा रहे हैं हम अपने मामा के यहाँ पे। फिर रोक दी गाड़ी। बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा मजाक कर दी। मोए मोए, फिलहाल गाड़ी हो चुकी है फुल भाई, गाड़ी हो चुकी है अभी ज्यादा ओवरलोड। कहाँ है, सिंगल सिंगल बैठे थे, अब तीन तीन बैठे पड़े हैं और यहाँ हालत हो रही है ख़राब। और मेन चीज मुझे पीछे होती है बहुत ज़्यादा उल्टी, अभी देखते हैं पता नहीं क्या होता है। पहुँच चुके अपने मामा के घर में और ये हमारे साथ है बड़े मामा का लड़का, क्या नाम है, नाम बता। सौरभ रावत। सौरभ रावत, और घर में क्या बोलते हैं? मानसू। मानसू। सो गाइस, यहाँ तेजू भाई लेके आए हैं पैठाणी गाँव में और ये लेके जा रहे हैं मुझे मंदिर में। तेजू भाई कहाँ जा रहे हैं? अभी लेके जा रहे हैं भाई हम आपको मंदिर में। स्कूल के बच्चों की चल रही है यहाँ पे भीड़। तेजू भाई क्या होगा यहाँ इतनी भीड़ बच्चों की? अभी स्कूल की छुट्टी हो रही है छोटे छोटे बच्चों की। मुझे भी बता दे यार, उसकी बात मुझे भी बता दे। सो गाइस, हम लोग मंदिर के अंदर एंटर करने वाले हैं, तो देखते हैं मंदिर में क्या क्या चीजें हैं। सुनने में आइए, बहुत फेमस मंदिर है। मैं आपको बता दूं, अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ ये एक मंदिर है जिसमें भगवान शिव के साथ साथ ही राहु की भी पूजा की जाती है। और ये जो मंदिर है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि इस मंदिर में भगवान शिव और राहु दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। और मान्यता में ये कहा जाता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ और हमने जो पढ़ा है ऑनलाइन इंटरनेट पे, उसमें ये बताते हैं कि ये जो मंदिर था ये पांडवों द्वारा बनाया गया था। अगर आप यहाँ विजिट करना चाहते हो तो आप इजिली आ सकते हैं कहीं से भी। कोटद्वार से लगभग 150-200 किलोमीटर की रेंज में ये पैठाणी गाँव में स्थित मंदिर है और ये नदी के घाट के जस्ट बगल में है, तो आप भी यहाँ विजिट करें ज्यादा। तो यहाँ का एक्सपीरियंस यार मेरा तो बहुत वाव रहा, मतलब ये मान लो छोटा केदारनाथ लगा मुझे और आज अच्छा लगा मंदिर घूम के। बट अलाउ में नहीं था अंदर को, अंदर की वीडियोस वगैरह शूट करने के लिए यहाँ पे अलाउ नहीं है। सो फाइनली गाइस, वो पल आ चुका है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, मेहंदी का सेटअप। और हमारे पहला सेरेमनी है मेहंदी, और मेहंदी का यहाँ आप डेकोरेशन देख सकते हैं, पहाड़ों में एकदम अलग ही डेकोरेशन आ रहा है। और यहाँ पे डेकोरेशन के बाद उसके बाद हम खाना वगैरह खाएंगे, डांस वगैरह करेंगे और आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें दिखाएंगे साथ। तो ये है हमारे दूल्हे राजा, हमारे मामा, और ये आज करवाएंगे आपको अपना हाउस टूर, क्या क्या हमने डेकोरेशन करी, क्या क्या दिखाया। तो चलो ये मामा आ जाओ फिर अंदर दिखाते हैं आपको। चल यूज मेरा पहाड़ों मकान है, तो पहाड़ों में ज्यादा क्या बोल सकते, मेरे को ज्यादा साजिद धाजिद नहीं रख दिया, नॉर्मल जो होंगी वही तो ही ना रहो। ये हमारे स्टोर एक चमारो अंदर तो दिखाओ ना, राशन स्टोर एक, ये हमारा राशन स्टोर ठीक है। तो राशन स्टोर बाद में आप थोड़ा दिखाओ ना, मतलब जो नॉर्मल जो रहन सहन उत्तराखंड पहाड़ी, एक हमारा सासू जी और बुआ जी, सेगिन सासू जी और बुआ जी। अरे कोई ना, सेजा 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 तुम, सेजा बस सेजा तुम। और हाँ बोलो फूफू बाद। और ये हमारा, ये है मेरे जहाँ पे मेरी सारी सिस्टर का हो रखा है, ये है, ये सब सो रखे हैं। वो हमारी मिस्टी भांजी उठी हुई है। इसके बाद हम दिखाएंगे तुम्हें
ये है मेरे फादर साहब, जय पापा जी, गौर में बोलते बाबा, घर हम क्या बोले ना शाबाश, ये तो बहुत कर रहा है, नाचने कूदने खेलने खाना बहुत मजा आता, पर मजा नहीं आ रहा यार, अभी आ गया मजा भी डीजे बजेगा, अबे तब तक स्वास्थ्य ज्यादा पापा जी स्वास्थ्य ज्यादा है, स्वास्थ्य से परेशान हूं, चलो कोई नहीं, मैं तो एंजॉय तो इतना करता ना, पर क्या करूं, यहां पे यखमा मार लगी डीजे सेटअप, जखमा भी थोड़ी देर में नाच डांस गाना जो भी लगा ला गड़वाली सारा गड़वाल म्यूजिक छ, तो गड़वाली गाना में जा ज्यादा मतलब म्यूजिक बजाना, तो थोड़ी देर में अभी सभी तैयार होने घर में जाएगा, तो आल थोड़ी देर में, तो एक बार हम आप लोगों से सीन अग्नि मेहंदी का सेटअप मैं आपको दिखा, चलो आ जाओ साथ के साथ हमारे, और हम हिंदी में आपको सबटाइटल दे देंगे पर आपको गढ़वाली में बताएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो वीडियो में बने रहो, जाओ ये हमारा छोटा सा टेंट लगा रखा जो हमने अपने मेहंदी के लिए, मेहमानों को लगे मेरे बार बार मेरे की चंग हिंदी ना थोड़ा हिंदी में रोना आदत पड़ गई, तो ये चक्कर में मैं गड़बड़ नहीं बोल सकता, तो आ जाओ मैं आप थोड़ा देखो ना मेहंदी मुंदी, तो उनको रहने दो वो बैठे हुए आराम से, अभी हमारे जो ये मेरा कमरा है फिलहाल, तो ये मेरा कमरा कर रखे, कब्जा कर रखा हमने किस कमरे में, यो आया मेरे दगड़े से, नहीं मेरे दगड़े बोला छे समय आयो थली सैंडविच ब्यासी, तो यख हमारे मामा की मेहंदी लगाना चालू हो गए, और मामा की मेहंदी लगनी छे, एक बार मामा की मेहंदी जब लग जाली बोल लो मुस्कुरा, और मामा जी मुस्कुरा तो लो, अरे मुस्कुराओ यार ब्लॉग में, तो ये मामा की स्माइल, ये हमारा बहुत प्यारा कुत्ता घर का, नाम मेरे को पता नहीं है, ये मेरे से प्यारा है, आ जाओ आ जाओ, भाई मस्त लग रहा है एकदम, शेर जैसा भाई, माँ की कसम खाती है, मस्त बना हुआ है मेरे सबसे बड़े मामा, ठीक है, और ये सबसे तेरा कमेरा भाज जा और छोटे मामा के छोटे भाई की आज ना मेहंदी का दिन है, कैसा लग रहा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे भाई की शादी है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी शादी का कुछ ही मत, वो तो पुराने जमाना था, सबसे बड़ा बाजा मेरा, अभी थोड़ा मेरा बाजा बोलेगा यहाँ पे, क्या नाम है भाई, अभिषेक का, अभिषेक नेगी, मेरा नाम अभिषेक नेगी है, ये भाई टीवी से, टीवी से ये बड़ा वाला ना, ये बड़ा वाला कौन सी वाली का है, बड़ी वाली, नाम तो मुझे नाम लक्ष्मी दीदी का है, Thank you.